Hello student, I am here Rajendra Kumar Sahu from Bharti College of Engineering and Technology, Durg. In this sort of class, discuss about Johnson counter, twisted, twisted ring counter. Okay? Previous class में हम discuss किए थे आपका जो है ring counter. Ring counter are जो है आपका shift register. Okay? ये हम जो है क्या discuss किए थे आपके जो है, ठीक है? तो ये आपका जो है जॉनसन काउंटर जो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर होता क्या है आपका जो है द काउंटर इज ऑब्टेनेड, ठीक है, ऑब्टेनेड सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन और सीरियल आउट के जो है क्या रहता है आपका शिफ्ट रहता है, शिफ्ट रजिस्टर. ओके, बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द इनवर्टेड आउटपुट. ओके, प्रोवाइड करता है आपका जो है इनवर्टेड आउटपुट, ठीक है, ऑफ द flip flop. Okay, of the flip flop to the D input, of the flip flop to the D input. Okay, of the first flip flop, plus D flip flop जो है आपका जो है first flip flop से क्या है connected रहते हैं आपका जो है, ठीक है, तो 4 bit हम जो है आपका जो है ring counter, जैसे previous class में हम किए थे जो आपका ring counter, ठीक है, इस class में भी आपका जो है 4 bit जो है आपका क्या बनाएंगे हम रिंग काउंटर. ओके, तो ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है, ठीक है, द क्यू, क्यू होता है हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, क्या होता है आपका जो है क्यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू क्या होता है आप क्यू जो है आपका जो है आउटपुट, आउटपुट ऑफ इच स्टेट कनेक्टेड, ठीक है, इच हम स्टेट से क्या है कनेक्टेड करते हैं इनवर्टेड आउटपुट, ठीक है, जो भी क्या है किससे कनेक्ट करते हैं हम जो है इन्वर्टेड आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप से जो है क्या करते हैं कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या आया कनेक्टेड किससे करते हैं डी इनपुट, ठीक है, डी इनपुट से आपका जो है आपका क्यू आउटपुट, ये क्या है हम जो है क्या है कनेक्टेड करते हैं, ठीक है, डी इनपुट से जो है आपका जो है क्यू नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में हम कनेक्टेड करते हैं, बट क्या होता है आपका क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू क्या है आपका जो है कॉम्प्लीमेंट रहता है, ठीक है, वो किसको डिनोट करता है आपका जो है आउटपुट को क्या करता है डिनोट करता है, क्यू जो है कॉम्प्लीमेंट है आपका जो है आउटपुट को क्या करता है डिनोट करता है, ठीक है, ऑन द जो है लास्ट स्टेज, ठीक है, ऑन द जो है आपका लास्ट स्टेज कनेक्टेड टू जो है लास्ट स्टेज कनेक्टेड टू जो है डी इनपुट, यहां से हम जो डी इनपुट करेंगे जो है कनेक्टेड टू डी इनपुट, ठीक है, पावर फर्स्ट स्टेज, ठीक है, तो देयरफॉर आपका जो है, ठीक है, द नेम इसीलिए बोलते हैं हमको जो है इस कनेक्शन को बोलते हैं जब आप क्यू कॉम्प्लीमेंट है हमारे जो है क्यू कॉम्प्लीमेंट से इसे कनेक्शन करते हैं आपका जो है डी, डी आपका जो है वन से क्या करते हैं कनेक्शन करते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं आपका जो है ट्विस्टेड जो है रिंग काउंटर. ओके, इस कंडीशन को बोलते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर. ओके, इसके लिए हम जो है क्या बनाएंगे आपका जो है, ठीक है, द यूज किसके लिए यूज करते हैं हम इसके लिए जो है आपका जो है जेके फ्लिप फ्लॉप या आपका जो है डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, इसके लिए जो है हम लॉजिक डायग्राम क्या करते हैं डिजाइन करते हैं. ओके, तो हम जो है इसके लिए लॉजिक डायग्राम डिजाइन करते हैं आपका. तो 4 बिट में जो है क्या लेंगे आपका जो है इस तरह से हम जो है कनेक्शन करेंगे, ठीक है, आपका फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, फ्लिप फ्लॉप 4. ओके, और जो 2 पॉइंट दे रहे हैं, ठीक है, 2 2 आपका 2 3 आपका
क्यूब होल ओके डी वन से रिप्रेजेंट करेंगे आपका जो है डी की फ्लॉप है ठीक है यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप डी टू ये आपका डी टू डी थ्री फिर जो है डी ओके इसमें क्या है आपका जो है कॉम्प्लीमेंट है ठीक है तो क्यू वन कॉम्प्लीमेंट क्यू टू कॉम्प्लीमेंट आपका क्यू थ्री कॉम्प्लीमेंट एंड जो है अब इसका इनपुट इनपुट से किससे कनेक्ट से करेंगे आपका आउटपुट से ओके तो ये आपका जो है आउटपुट जो दिख रहा है किससे कनेक्ट करेंगे जो है इनपुट से किससे कनेक्ट से करेंगे ना जो है आपके इनपुट से यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है रिप्लाई करेंगे हम हमें ठीक है क्लॉक पल्स किसके लिए कनेक्शन रहेगा आपका जो है ठीक है ये आपका जो है लॉजिक डायग्राम है ठीक है लॉजिक डायग्राम अब यहां से क्यूब कॉम्प्लीमेंट है क्यूब क्या है आपका जो है कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट किससे कनेक्शन है आपके जो है इनपुट से ठीक है किससे कनेक्शन है ये आपका क्या है क्लॉक पल्स ठीक है ये आपका क्या है क्लॉक पल्स है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं जब इस तरह से कनेक्शन किया जाता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं स्टेट इन काउंटर ओके तो ऐसे ही हम जो है जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या कर सकते हैं मैं ठीक है लॉजिक डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं ठीक है ये आपका जो फिगर हो गया क्या हो गया आपका जो है और भी स्टेट रिंग काउंटर ठीक है रिंग काउंटर यूजिंग कौन से फ्लिप फ्लॉप यूज किए डी फ्लिप फ्लॉप क्या है यूज किए ओके डी फ्लिप फ्लॉप ओके डी फ्लिप फ्लॉप क्या आपका जो है फिगर हो गया फोर बिट ट्विस्टेड रिंग काउंटर यूजिंग जो है डी फ्लिप फ्लॉप अब इसके लिए क्या बनाएंगे हम जो सिक्वेंशियल टेबल क्या करेंगे डिजाइन करेंगे जैसे कि हम जो है आपके जो है रिंग काउंटर के लिए ठीक है डिजाइन किए थे आपके जो है इसके लिए जो हम जो है सिक्वेंशियल टेबल क्या करेंगे डिजाइन करेंगे आपका दोनों में डिफरेंस क्या था जो है ठीक है दोनों में अब रिंग काउंटर है रिंग काउंटर से यहां से आपका जो है कनेक्शन किए थे ठीक है लेकिन यहां पे क्या है कॉम्प्लीमेंट से हम जो है कनेक्शन कर रहे हैं ओके तो यहाँ पे जो है क्लॉक पल्स ओके क्लॉक पल्स अब यहाँ पे क्या है क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड क्यू फोर जीरो वन टू थ्री फोर तो इसके लिए हम जो है क्लॉक पल्स क्या करेंगे अप्लाई करेंगे ओके फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपका जो है फर्स्ट कंडीशन में क्या है आपका जो है हम जो है जीरो जीरो है ठीक है आपका क्लॉक पल्स जो है यहाँ पे जीरो है ठीक है डी वन जीरो है क्यू वन जीरो है क्यू टू भी क्या है जीरो है ये भी जीरो है ये जीरो तो जीरो जीरो स्टेज लेते हैं ठीक है आपका जो है क्यू वन जीरो क्यू टू जीरो
फर्स्ट क्लास क्लार्पल से अप्लाई करेंगे हम जो है, ठीक है, फर्स्ट क्लास प्लस क्या करेंगे जो है अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट के लिए वन, ठीक है, क्लार्पल से जो है यहाँ पे वन जीरो 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 जीरो, तो ये फर्स्ट क्लास पल्स के लिए हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, क्यू वन वन हो जाएगा, क्यू टू जीरो हो जाएगा, क्यू टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है, क्यों होगा क्योंकि जो है आपका कॉम्प्लीमेंट जो है किससे कनेक्टेड है आपके जो है इनपुट से, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो दिए थे, जीरो दिए थे, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका जो है वन हो जाएगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा वन, ठीक है, टू थ्री जीरो आपका टू फोर जीरो। सेकेंड क्लॉक पल्स से अप्लाई करेंगे हम जो है सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सेकेंड के लिए अप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा वन जीरो जीरो वन, फिर से यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट वन तो रह गई, फिर जो है वन आ गया जीरो का फिर से क्या वन हो गया, ठीक है, जीरो का फिर से क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है, फिर से आपका जो है जीरो जीरो कॉम्प्लीमेंट, ओके, फिर इसी स्टेज में आपका क्यू वन वन, क्यू टू वन हो जाएगा, क्यू थ्री जीरो हो जाएगा, क्यू फोर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज हम जो है क्लॉकवाइज से अप्लाई कर रहे हैं आपके थ्री के लिए, ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है आपका जो है ये क्या हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या था आपका जो है वन वन जीरो जीरो, ओके वन वन जीरो जीरो, स्टेट जो है आपका नेक्स्ट क्लॉक पल्स से अप्लाई होगा, तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स में जो है जीरो आया है, ठीक है, जीरो से जो है आपका टू को कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट से जीरो क्या हो जाएगा फिर से वन 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 जीरो, ओके, तो ये आपका जो है टू को क्यू वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, थ्री क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, टू को क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स के लिए, फिर से यहाँ पे क्या है हमारा जो है जीरो है, जीरो रिप्रेजेंट है आपका जो है, फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वन रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, अभी तो ऑलरेडी आपका क्या है वन ही है, तो वन 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 शो करेगा, तो इस तरह से हमें जो है क्लॉक पल्स जो है आपका जो है, ठीक है, प्रोवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं हम जो है क्लॉक पल्स, टू वन टू 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 थ्री आपका टू टू, ठीक है, हम किसके लिए देखेंगे फाइव के लिए देख लेते हैं, सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ठीक है, तो इसके लिए क्लॉक पल्स फिर से क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ओके, अब हमारा जो है वन वन है, ठीक है, फिफ्थ है आपका, फिफ्थ क्या आ जाएगा फिर से वन आना आएगा, ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा आपका आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट फिर से कहाँ जाएगा आपका जो है डी फ्लिप फ्लॉप पे जाएगा, डी इनपुट पे जाएगा, ठीक है, तो डी इनपुट क्या हो जाएगा आपका जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है, आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे वन कॉम्प्लीमेंट फिर से क्या हो जाएगा आपका जो है जीरो हो जाएगा, तो क्यू क्यू वन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, क्यू टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, क्यू थ्री क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, क्यू फोर क्या हो जाएगा इस कंडीशन में आपका जो है, ठीक है, वन हो जाएगा, ओके, फिर हम जो है आपका तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा आपका वन वन शो करेगा, ठीक है, तो आपका जो फिफ्थ जो है आप क्लॉक पल्स से अप्लाई करें तो टू वन क्या हो जाएगा आपका जीरो, ठीक है, वन वन और ये आपका जो है वन, तो इस तरह से हम जो है क्लॉक पल्स से जो है, ठीक है, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है सिक्स स्टेज जो है सिक्स के लिए अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आपका जो है क्लॉक पल्स जो है जीरो है, ऑलरेडी क्या है आपका सॉरी क्या है वन, ठीक है, क्लॉक पल्स क्या है ऑलरेडी जो है वन, फिर से नेक्स्ट स्टेज से कनेक्शन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज में आपका इनपुट से जाएगा, एक और क्लॉक पल्स क्या हो जाएगा आपका जो है, ठीक है, जीरो, ये भी क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या मिलेगा हमें ये जीरो वन वन, ओके, इस तरह से आपका जो है वन जीरो हो जाएगा, टू जीरो हो जाएगा, थ्री जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा,
साथ पर स्क्वायर 7 के लिए अप्लाई करेंगे। ओके तो यहां पे क्या है, ऑलरेडी क्या है 1, फिर से ऑलरेडी क्या है आपका जो है ठीक कॉम्प्लीमेंट है, उसके बाद क्या है कॉम्प्लीमेंट है ऑलरेडी क्या है 1 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या चले जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट स्टेप में क्या है फिर से 0 हो जाएगा 1, ये आपकी जो है क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी 0। तो 2 1 क्या करेगा डिनोट करेगा 0, 2 2 किसको डिनोट करेगा 0 को, ठीक है 2 3 किसको और डिनोट करेगा आपके 0 को, q4 किससे क्या हो जाएगा आपका जो है 1 क्या होगा डिनोटेड होगा। ओके इस कंडीशन में क्या है फिर से जो है आपके 8 के लिए, ठीक है आपके लिए 8 के लिए, ठीक है अभी ऑलरेडी क्या है आपका जो है 1 है, फिर से वंस अगेन क्या है फिर से जो है आपका कॉम्प्लीमेंट 2 4 क्या है 1, फिर से आप जो है आउटपुट क्या है टू कनेक्टेड जो है नेक्स्ट स्टेज इनपुट जो है d1 से क्या है कनेक्शन करेंगे। ओके तो ये ऑलरेडी क्या है 0 है तो 1 फिर से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका है, फिर से 0 हो जाएगा ये आपका 0 0 0। ओके आपका 8 नेक्स्ट क्लॉक पल्स फिर से अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है आपका जो है 0 0 0। ओके तो ये आपका जो है 2 4 क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट जो है 9 के लिए देख लेते हैं, 9 के लिए क्लॉक पल्स अभी क्या है पूरा कंडीशन फिर से जो है यहां से ले 0 के लिए लिए थे हम क्लॉक पल्स जो है फिर से क्या था आपका जो है 0 0 हो गया था, फिर से 8 में क्या गया इस कंडीशन में आपका जो है 0 0 को क्या करेगा डिनोटेड हो गया, फिर से वंस अगेन क्या आएगा रीस्टार्ट करेगा फिर से रीस्टार्ट होगा क्लॉक पल्स 9 ठीक है। अब यहां पे 0 0 है ठीक है कि नेक्स्ट आपका 0 है तो फिर से इसमें आउटपुट ठीक है डी कॉम्प्लीमेंट इन कनेक्टेड टू जो है डी इनपुट। ओके डी इनपुट से कनेक्टेड फिर से क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट 0 है यहां पे इसके 1 क्या हो जाएगा आपका जो है 1 फिर से क्या हो जाएगा क्या करेंगे जो है 1 शो करेगा फिर से आपका जो है 1 0 0 0 फिर से आपका 0 0 0 3 तरह से क्या करता है आपका जो है क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे आपका स्टेट जो है रिंग काउंटर जो है ठीक है इस तरह से हम जो है क्लॉक पल्स क्या करें अप्लाई करते हैं। ओके इस तरह से आपका जो है वर्किंग करता है इस ठीक है डी कॉम्प्लीमेंट टू कनेक्टेड क्या करेंगे क्यू डी इनपुट से क्या है क्यू आउटपुट ठीक है क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अ कनेक्टेड डी इनपुट इस कंडीशन को क्या बोलते हैं आपका जो है ट्विस्टेड रिंग काउंटर इस तरह से आपका जो है वर्किंग करता है। ओके क्लॉक पल्स जो है अप्लाई करते हैं। ओके थैंक यू।